बहुत ही खिला खिला, बिल्कुल पर सॉफ्ट और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर फटाफट बनने वाला ये कोदो मिलेट पुलाव सर्व करने के लिए रेडी है। नमस्कार मित्रों, नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर के आए हैं, कोदो मिलेट का मटर पनीर पुलाव। कोदो मिलेट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया ये अनाज रहता है फ्रेंड्स। बहुत आसानी से अब तो ऑनलाइन किराने स्टोरों में अधिकतर आसानी से मिल जाता है। मेरा तो कहना है कि सबको अपने कोदो मिलेट को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे हम न्यूट्रिशन से भरपूर रहेंगे और दिन भर आपका एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके लिए आज मैंने बनाया हुआ है बहुत ही कम मसाले से, बहुत ही कम ऑयल से कोदो मिलेट मटर पनीर पुलाव, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है और बहुत ही हेल्दी ये डाइट रहेगी। चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं, चाहे आप लंच में खाएं, चाहे डिनर में खाएं, कभी भी इसका सेवन किया जा सकता है और खाकर एंजॉय किया जा सकता है। दिन भर आप बिल्कुल चुस्त फुर्त रहेंगे। तो आइए आज देखते हैं बहुत ही हेल्दी सी, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही फटाफट बनने वाली ये रेसिपी, कोदो मिलेट मटर पनीर पुलाव को कैसे बनाएंगे। कोदो मिलेट मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए ये मैंने कोदो लिया हुआ है फ्रेंड्स। ये बिना पॉलिश वाला कोदो है, इसलिए आपको ब्राउन ब्राउन सा थोड़ा सा कलर दिख रहा होगा, लेकिन जो बिना पॉलिश वाला कोदो होता है वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि तौल में देखा जाए तो ये 100 ग्राम के आसपास कोदो है। अच्छी तरह से फ्रेंड्स इसको मैंने 2-3 पानी से धो करके इसको आधे घंटे के लिए पानी में इसी तरह से कोदो मिलेट मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है एक कुकर और गैस को ऑन कर दिया है और इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच देसी घी। फ्रेंड्स, मैं देसी घी से बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल से भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चाय के चम्मच के बराबर जीरा। जीरा तड़कने लगे हैं, अब इसमें मैंने एक छोटी चॉप की हुई प्याज ली हुई है, इसको भी इसी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये फुल डाइट न्यूट्रिशन से भरा हुआ, चाहे आप ब्रेकफास्ट में खाएं इसको, चाहे लंच में खाएं, चाहे डिनर में खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मैंने लिए हुए 4-5 कलियां लहसुन की, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, इन लहसुन को भी इसी में डाल देंगे। साथ में लिया हुआ है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको ग्रेट कर लिया हुआ है और 1 हरी मिर्च, इसको भी इसी में डालेंगे और हल्का सा थोड़ा सा भूनेंगे। मैंने ली हुई हैं न्यूट्रीला चंक्स ली हुई हैं सोयाबीन की बड़ी, जिसको गर्म पानी में भिगो करके अच्छी तरह निचोड़ लिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, इसको भी डालेंगे ताकि न्यूट्रिशन से भरपूर ये कोदो मिलेट बन करके रेडी होगा। कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, जो भी टेस्ट में अच्छी लगती हो वो इसमें डाल सकते हैं। और साथ में मैंने ली हुई है 1/2 कप फ्रोजन मटर, इसको भी इसी में डाल करके थोड़ा सा इसके साथ ही भूनेंगे। 1 से 2 मिनट हो गया है, न्यूट्री नगेट की बड़ियाँ और मटर अच्छी तरह से भुन गए हैं, प्याज भी थोड़ी सी भुन गई है। अब हमने जो ये कोदो मिला के रखा था इसको भी इसी में डालेंगे, वो सबको मिक्स करेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम डालेंगे 1/2 चाय के चम्मच के बराबर सादा नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/4 चम्मच डालेंगे पीसी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने डाला हुआ है गरम मसाला, ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। ने देखा मैंने कितना थोड़ा सा डाला है, मगर इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। गरम मसाला के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। फ्रेंड्स, पानी बहुत संभाल के डालेंगे, जो पोर है हमारा उंगली का ना, पानी मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये कोदो मिलेट हमारा गीला गीला हो जाएगा, तो वो खाने में वो लाजवाब स्वाद नहीं आएगा और छिटका छिटका बिल्कुल अलग अलग बने। इसके लिए मैं डालूँगी 1/2 नींबू का रस, इससे भी ये कोदो मिलेट खिला खिला सा जल्दी रेडी हो जाता है। तो बस हम लगा देंगे कुकर में ढक्कन और गैस की फ्लेम हाई पे करेंगे और 1 प्रेशर हाई पे आने पर इसको 1-2 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर पकाकर गैस को बंद कर देंगे, फिर कुकर को ठंडा। देखिए फ्रेंड्स,
एक सीटी बुला करके मैंने एक मिनट तक धीमी आंच में पकाया और गैस को बंद कर दिया था और कुकर को ठंडा कर लिया है। ये देखिए काफ़ी कुछ ठंडा हो गया है, देख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया ये पुलाव बन करके रेडी हुआ है। इसका एक एक कोदू का दाना मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल छिटके छिटके, बिल्कुल आपको कहीं भी कोई भी इसमें गुलथी नहीं बनी, एकदम लम्स नहीं बने हुए हैं। आप देख रहे होंगे, पास से भी दिखाती हूँ, एक एक दाना इसका बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है। खाने में उतना ही टेस्टी है और सबसे बड़ी बात है उतना ही हेल्दी है। बस इसको थोड़ा सा पनीर से गार्निशिंग करके गर्म गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये कोदू मिलेट पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, किंतु डिलीशियस और टेस्टी और न्यूट्रिशन से और भरपूर बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है एक पनीर का टुकड़ा। इसको भी इसी ग्रेट करके इसके ऊपर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया होगा। पनीर मटर पुलाव है इसलिए पनीर इस तरह से डालना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देख मैं सर्व कर रही हूँ इसको बूंदी के रायते के साथ में। कद्दू का एक एक दाना बिल्कुल सुपर सॉफ्ट है, हाथ से आप दबाने में बिल्कुल सुपर सॉफ्ट है और बिल्कुल खिला खिला दाने बन करके रेडी हुए हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी फ्रेंड्स ये रेसिपी रहेगी। और मेरी तो सलाह है कि सबको अपनी डाइट में कद्दू मिलेट ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फटाफट बनने वाली ये कोदू मिलेट मटर पनीर पुलाव की रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नमिता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ नमिता की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। अब हम फिर मिलेंगे टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।